नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने के साथ ही दोनों ही पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। नामांकन के आज अंतिम दिन सीएम भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित भाजपा के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन सभा में मजबूती देने पहुंचे, तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन सभा में गरजते हुए नजर आए। सीएम भजन लाल शर्मा ने एक बार फिर से जनता के बीच कांग्रेस सरकार के 5 साल के शासन की कमियां गिनाई, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के 1 साल के कार्यकाल को जनता की अदालत में रखा। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस बिना गठबंधन के 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी भी चुनावी मैदान में दमखम दिखाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही नरेश मीणा और राजेंद्र गुड़ा ने भी निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करते उपचुनाव को काफी रोमांचक बना दिया है। ऐसे में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव इस बार काफी दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियों के दिग्गजों की साख इस चुनाव पर दाव पर लगी है। तो वहीं राजकुमार रौत, हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुड़ा दोनों ही प्रमुख पार्टियों को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी आज हनुमानगढ़ पहुंचे। हनुमानगढ़ के कांग्रेस नेता मनीष धारणिया की माता के निधन पर शोक जताया। इसके साथ ही चौधरी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश चौधरी ने उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है और राज्यों में परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन किया जाता है। इसके साथ ही हरीश चौधरी ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का राजस्थान के उपचुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस समय राजस्थान में कांग्रेस का संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है। 14 मई 2023 को 111 पदों पर आयोजित हुई राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा को बड़े फर्जीवाड़े के बाद आखिरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। पिछले दिनों एक ही दिन में राजस्थान में 30 स्थानों पर छापेमारी करते हुए करीब 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें करीब 0.5 दर्जन सरकारी कर्मचारी थे। गौरतलब है कि इस भर्ती में पेपर लीक में करीब 30 से 40 लाख रुपए तक पेपर खरीदने की बात सामने आई थी, जिसके बाद मामले में एसओजी ने धरपकड़ तेज करते हुए कई बड़े खुलासे किए। इसके बाद सरकार ने इस भर्ती को रद्द करने व नए सिरे से करवाने का फैसला लिया। आपको बता दें, अब इस भर्ती का आयोजन 23 मार्च 2025 को होगा। ऐसा ही भर्ती सरकार के लिए जी का जंजाल बनती हुई नजर आ रही है। भर्ती को रद्द किया जाए या यथावत रखा जाए, सरकार इसका फैसला नहीं ले पा रही है। एक ओर जहां भर्ती को रद्द करने की मांग लगातार तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेनी एसआई के परिजन भी भर्ती रद्द ना हो इसको लेकर अपने बच्चों के मांग को बुलंद कर रहे हैं। एक बार फिर से ट्रेनी एसआई के परिजनों ने भर्ती को यथावत रखने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करते हुए सीएम भजन लाल से मांग की है कि भर्ती में भ्रष्टाचारियों को सजा के साथ ही मिले, इसके साथ ही ईमानदार और योग्य अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी न हो। जिला प्रशासन द्वारा आज हनुमानगढ़ जंक्शन में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस दौरान जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में परशुराम सर्किल तक और परशुराम सर्किल से वापस राजीव गांधी स्टेडियम तक दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों, नागरिकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों को नशा मुक्ति, फिटनेस और मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। दौड़ के बाद महिला और पुरुष वर्ग में विजेताओं को सम्मानित किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के जयपुर जिला शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन 25 और 26 अक्टूबर को किया जा रहा है। आदर्श नगर में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आज आगाज हुआ। संगठन प्रवक्ता मुकेश मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय सम्मेलन में राष्ट्रीय नीति 2020 के साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता सुधार जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही सम्मेलन में शिक्षकों के विभिन्न कैडर की विसंगति, वर्षों से बकाया डीपीसी करने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी करने, स्थानांतरण स्टाफिंग पैटर्न व शिक्षक समानीकरण अधिशेष रहे जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। फिल्म अभिनेता सलमान खान एक बार फिर विश्नोई समाज के निशाने पर हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के बाद समाज में गुस्सा है। दरअसल पिछले दिनों सलमान के पिता सलीम खान ने सलमान को निर्दोष बताया था। सलीम खान के बयान के बाद विश्नोई समाज की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी के चलते गुरुवार 25 अक्टूबर को जोधपुर जिले की ककानी में जब सलमान खान का पुतला फूंका गया, साथ ही सलमान को फांसी देने की भी मांग रखी गई। केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3
50% की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। डीए 50% से बढ़कर अब 53% कर दिया गया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगा। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने हुए हैं। अन्नू कपूर ने हाल ही में प्रियंका चोपड़ा पर एक बयान दिया था जिसकी लोगों ने काफी आलोचना की थी। अब उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा है जो विवादास्पद है। इस बार अन्नू कपूर ने सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया के मेकर्स पर फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का गंभीर आरोप लगाया है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।